खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। वेदखेड़ी गांव के शिव मंदिर में आज भगवान शिव के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालु महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम संयोजक रामजीलाल जयनंद भगत ने संयुक्त रूप से बताया, गांव के शिव मंदिर में भगवान शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। 9 मार्च से 5 पंडितों द्वारा 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया गया। डीजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में श्रद्धालु महिला पुरुष जमकर झूमे। इस कार्यक्रम को पंडित रामवीर शर्मा, आशीष शर्मा, सचिन शर्मा, अंकित शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया जा रहा है। शिव परिवार में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी, शिवलिंग की स्थापना कल गुरुवार में कराई जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम में रामजीलाल सैनी भगत के अलावा डॉक्टर प्रमोद कुमार, राम कुमार सैनी, सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। रामवीर शर्मा, आज भगवान शिव, पार्वती, नंदी, श्री गणेश, नंदी की इनकी परिक्रमा हुई। कल जो है मूर्ति स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद में फिर हवन होएगा, फिर भंडारा होएगा। प्रतिष्ठा का समय 9:38 से 11:32 के बीच में है। कितने मंत्रों का जाप हुआ? ये 1.25 लाख मंत्र का जाप हुआ है, सभी देवताओं का मिलाकर। आज गांव बैदखेड़ी में भगवान शिव, पार्वती, गणेश, अंबिका और कार्तिक भगवान की जी आज परिक्रमा हुई। सवेरे पूजन हुआ, फिर महास्नान हुआ, फिर अगन्यास हुआ, फिर उसके बाद में परिक्रमा हुई। कल भगवान जी की प्रतिष्ठा होगी। सवा लाख मंत्र का जाप हुआ, 1.25 लाख मंत्र सभी देवताओं का, 5 पंडित, 1.25 लाख मंत्रों का जाप हुआ, जिसमें 5 पंडित थे, श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, पंडित रामवीर शर्मा, आशीष शर्मा, सचिन शर्मा, अंकित शर्मा, ब्राह्मण रे। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं।